देखो उन्होंने वापसी लेने की बात कही है, वापसी होगा पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट सेशन 29 तारीख से है, तो इसको पार्लियामेंट में रखो, इसको वापसी करवाओ। एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड हमारी है और उससे पूरे देश के किसानों को फायदा उससे होगा। नहीं, यहाँ का आंदोलन जब खत्म होगा, आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें तय होंगे कि किस किस चीजों पर सरकारों से बातचीत होगी, कौन सी चीजें सरकार मान रही है। तो ये आंदोलन तो जब खत्म होगा, जब पूरा संयुक्त मोर्चा संतुष्ट हो जाएगा, देश का किसान संतुष्ट हो जाएगा और ये कानून वापसी हो जाएंगे और एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा। ये अभी चार पांच चीजें हैं और ये बैठ के ही बातचीत होगी, ऐसा नहीं कि फैसला वन से सुना दिया और किसान ऐसे ही चला जाएगा। ये कैसे होगा, पार्लियामेंट सेशन है उसमें आएगा, कितने दिन इसमें लगेंगे, क्या क्या दोहर जो मसले हैं उसमें कैसे कैसे बातचीत होगी। आपने राकेश टिकैत को सुना, जो साफ तौर पर अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। उनका कहना साफ तौर पर यही है कि जब से संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती, यानी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की संवैधानिक प्रक्रिया संसद में शुरू नहीं हो जाती है, आंदोलन कहीं खत्म नहीं होने वाला है। दरअसल आज सवेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने माफ़ी मांगी कि कहीं हमारी तपस्या में ही कमी रह गई होगी, जिस वजह से हम किसानों को इस बात को समझा नहीं पाए, इन कानूनों को उन तक पहुंचा नहीं पाए। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि जहां किसान डटे हैं वो वहीं डटे रहेंगे, संसद में जब प्रक्रिया शुरू होगी तभी वो वहां से हटेंगे। यानी कि एक तौर पर देखा जा रहा है कि राकेश टिकैत अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। राकेश टिकैत BKU यानी कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनको जिस तरह का जन समर्थन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मिला है वो सर्वाधिक रहा है इस पूरे आंदोलन में। एक तरह से इस आंदोलन के टर्निंग पॉइंट रहे राकेश टिकैत के आंसू, जब वो रात में रोए और उसके बाद अगले ही दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से गाड़ियों की कतार लग गई, ट्रैक्टर की कतार लग गई, उसके बाद किसान आंदोलन में नया जोश भर गया। किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा जो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि जो तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद क्या कहना है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार का अभिमान टूट गया और उन्होंने इन कानूनों को वापस ले लिया, किसान जीत गए। राहुल गांधी ने अपना एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। उनकी बहन और कांग्रेस में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 अधिक दिन का संघर्ष, नरेंद्र मोदी जी आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल कर मार डाला, आपको कोई परवाह नहीं थी, आपकी पार्टी के नेताओं ने किसानों का अपमान करते हुए उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, गुंडे, उपद्रवी कहा, आपने खुद आंदोलन जीवी शब्द बोला, उन पर लाठियां बरसाई, उन्हें गिरफ्तार किया, अब चुनाव में हार दिखने लगी तो आपको अचानक इस देश की सच्चाई समझ आने लगी कि ये देश किसानों ने बनाया है, ये देश किसानों का है, किसान ही इस देश का सच्चा रखवाला है और कोई सरकार किसानों के हित को कुचलकर इस देश को चला नहीं सकती, आपकी नीयत और आपके बदलते हुए रुख पर विश्वास करना मुश्किल है, किसान की सदैव जय होगी, जय जवान, जय किसान, जय भारत। इसके साथ ही पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तौर पर कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हर पंजाबी की मांग सुनी और गुरु नानक देव की जयंती पर तीनों काले कृषि कानूनों को वापस ले लिया। साथ ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इसको एक सही फैसला बताते हुए एक अच्छा कदम बताया है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों के प्रयासों की आखिरकार जीत हुई है, ये अहंकार की हार और किसानों की गणतंत्र की जीत है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, सभी किसानों को मेरी हार्दिक बधाई जिन्होंने बिना रोके लड़ाई लड़ी, जिस क्रूरता से भाजपा ने आपको ट्रीट किया उससे आप नहीं डरे, ये आखिर में आपकी ही जीत है। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन राकेश टिकैत की जो बात है उन्होंने एक बड़े तौर पर कही है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है जब तक संवैधानिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने भाषण में साफ तौर पर यह कहा कि
शीतकालीन सत्र शुरू होते ही संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, यानी कि कानून वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा।